ये देखिए, ये जो मैं आस्तीन को कट किया हूँ, कोट के जैसा कट किया हूँ, क्योंकि ये कोट में ऐसा रहता है, ये आस्तीन ऐसा रहता है, इतना ही रहता है। तो हम अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे और सेम कोट के जैसा ये आस्तीन दिखेगी। बनाने के बाद देख लीजिए। इसको पहले पलटी मार लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच पे हम आस्तीन लगाएंगे, यहाँ से 1.25 इंच, और हम इसको यहाँ से ऐसे नाप के देखेंगे कितना बढ़ रही है। 3 इंच करीब में बढ़ रही है आस्तीन। तो ये जो 3 इंच है ना, इसमें रिंकल देंगे, इसमें रिंकल देंगे, इस तरह रिंकल देंगे तो कोट के जैसा आस्तीन गिरेगी। सबसे पहले हम ये यहाँ ये जो मार्क लगाए हैं और यहाँ पकड़ेंगे ये ज्वाइंट को। इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रहेगी कोट के में, आस्तीन में। अब इसको क्या है, इसको लम देंगे। इसमें इस तरह लम देंगे कि प्लेट ना आए, ये कपड़ा को पहचाना पड़ता है। अगर अस्तर वाला आस्तीन रहता तो क्या, पहले हाथ से टाकना पड़ता है, फिर उसके बाद है मशीन मारना पड़ता, यानी पहले कच्चा करके बाद में पक्का करना पड़ता। रिंकल इस तरह है, कहीं पे भी प्लेट नहीं आई है, कहीं पे भी प्लेट नहीं आई है। कंप्लीट हो गई है शेरवानी। अब खाली इसको इस्त्री मारेंगे, मारने के बाद कैसा फिनिशिंग आता है वो आपको दिखाऊंगा।